क्योंकि राष्ट्रपति उन्हां दे भाषण ते नाल तुसी क्लब कीता है फार्मर इशू उहदे उत्ते बोलण दा मौका मिलिया। सब तो पहला मैं शुरुआत इस तो करना चाहना भी मैं अंकड़े देख रहा सी इस लोकसभा ते राज्यसभा टोटल जिन्हां ने अपना किता जिन्हां ने अपना काम जिन्हां ने अपनी मेहनत फार्मिंग लिखी आ किसान लिखी आ उहदी गिणती जे मैं देखा तो 203 मैंबर पार्लीमेंट ने लोकसभा च जिन्हां ने अपने आप नूं किसान लिखिया 203 ते उहदे विच जिहड़े बीजेपी दे कल्ले एमपी ने जिन्हां ने किसान लिखिया अनुराग जी तुसी भी उहनां चों 140 एमपी कल्ले बीजेपी दे ने जिन्हां ने बिल पास कीते आ उह किसान ने। जे मैं गल करां राज्यसभा च सर 64 एमपी ने जिन्हां ने अपने आप नूं किसान दस्सिया ते 28 जिहड़े कल्ले ओह बीजेपी ते उन्हां ते टोटल 267 एमपीज बन जांदे आ। तुसीं देखो किड्डी वड्डी ताकत आ जिहड़े किसान बैठे आ जिन्हां नूं किसानां ने एमपी बना के उरे भेजिया 267। हुण मैनूं नहीं पता इहदे विचों किन्ने असली ने किन्ने नकली ने किन्ने किसानां दी हक दी गल करदे आ। आ साडा इक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान ये भाषण करन लगे आउंदे आ वैसे नहीं कदे मैं उल्ट नहीं बोलता सी पंजाब दे एक दूजे दे सारे कट्ठे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले ऑर्डिनेंस बनाउण वेले ओह कुर्सी ते बैठे सी आ कुर्सी ते ते अज इधरले पासे आ गए नाल बैनीवाल साहब भी ये दोनों ही इधर सी ते उदू बाद हुण ये इधर आ गए। पर मैं तुहानूं एक गल दसां चेयरमैन साहब आप आए भी हैं आपको पता है सर हम पांच आदमी दिसंबर 7 के सर ये हिस्ट्री में दर्ज होगा। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा अगर किसान सिंगू टीकरी गाजीपुर राजस्थान बैठे हैं तो सर 3 एमपी जिसमें मैं खुद रवनीत सिंह बिट्टू गुरजीत सिंह औजला जसवीर सिंह डिंपा कुलबीर सिंह जीरा एक एमएलए एक लक्की जी एक पिंडर पांच आदमी सर दिन रात हम पिछले 65 दिन 65 दिन आज हो जाएंगे सर जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया पूछा है सर लेकिन एक भी सरकार का सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं एक भी कोई हम इनके कलीग हैं दुश्मन थोड़ी हैं 65 डे से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का जे इन्हां नूं दोखा ये उरे आके गल्लां कालियां करदा सी रातां दी ठंड दी नील पै जांदे आ वो तुसी किसानां दे नील पैंदे ही देख के खुश हो तुसी उन्हां नूं उत्थे बटा के खुश हो। थोड़ी केजरीवाल दी सरकार आ देना अस्तीफा तो दे अस्तीफा इत्थे एवें झूठ क्यों बोलना अस्तीफा कितें इन्हां ने थोड़ी लैना अस्तीफा तुसी सवेरे लिख के लियाओ ते दो स्पीकर नूं अस्तीफा थोड़ा मंजूर हो जाऊगा जिहड़ा भी अस्तीफा देना चाहुंदा। पर इत्थे कह के सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग करवाउणी एक दिन भी इह किसानां दे लई कितें एक दिन भी ना बीजेपी ना अकाली दल ना आम आदमी पार्टी एक दिन भी पंजाब दा इहनां दा आगू एक घंटे लई भी कितें ये बैठा नहीं गा सर एक गल तां इह ते हुण इह पता लगूगा इस सैशन च भी इह जिहड़े 200 तों उत्ते एमपी ने कौन कौन इहदे हक च बोलदा कौन कौन इकट्ठे हुंदा। मैं इदों बाद सारे एमपीआं नूं इह बिल भेज के चिट्ठी भी लिखणी आ बेनती करनी है भी आपां पार्टियां तों उठ के किसान आपां इकट्ठे होईए। नहीं मैं इत्थों अपील करदा जिन्हां जिन्हां ने किसान लिखिया उहनां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे लोकां नूं अपील आ भी जे किसानों तुसीं इहनां नूं एमपी बनाया जे तुहानूं बेले चंगे नहीं लगदे फिर तुसीं इहनां दे कोल आ के मिलो इहनां ते जोर पाओ। मैं इह नहीं कहूंगा कोई बाइकाट करो कोई विरोध करो ओह कोई चंगी गल नहीं गी जो साडे पंजाब च भी हो रहा ओह मेरे नाल भी होया वो मैं गलबात करदा पर बीजेपी नाल भी जे कोई कुटमार कर रहा विरोध कर रहा डेमोक्रेटिक तरीके नाल तुसी विरोध कर सकते हो। पर
लोग जरूर किसान एमपीआं नूं जिन्हां ने दर्ज कराया उन्हां नूं ये पुछण भी ये बेले चंगे आ तुसीं इन्हां दे नालों जाणा दे उल्टों गल साफ हो जाएगी। उदों बाद सर मैं ठाकुर जी तां साडे क्योंकि एक एक सर चेयरमैन साहब एक स्टेट थी हमारी तो चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल चाहे पंजाब और हरियाणा सब हम एक ही थे। आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं गवर्नमेंट लेके आई है उसमें ट्रेड एंड कमर्स सर इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं, किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियें खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं नॉलेज से वेयर इट इज रिटन दैट मंडीज विल बी स्टार्ट, ये पढ़ना चाहिए सर काम में। मैं दसदा सारा कुछ हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस सर यही एपीएमसी है जी, टाइम इज वेरी लिमिटेड, यू कैन नॉट हैव क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। सर मेरे को थोड़ा सा क्योंकि मैं बिल पे बात कर रहा हूं सर, ये एपीएमसी एक्ट सेम बिहार में आया आज सर। नहीं फार्मिंग तो साथ क्लब किया, आपको शायद नॉलेज नहीं है, फार्मिंग भी क्लब किया साथ में। सर चेयरमैन साहब ये जो बात कर रहे हैं, जिस दिन एपीएमसी एक्ट वहां पे लागू था बिहार में उस दिन वहां पे मंडियां थी 9035, जिस दिन ये जो आप यहां एक्ट लाए हैं वो एक्ट वहां पे लागू हुआ आज मंडियां रह गई 1619। ये डाटा है। और सर ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ हमने पीएयू अपनी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी वहां भेजी और वो सर मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सत्य कह रहे हैं उदू बाद आपने कहा बिल में लिखा मंडी छोटे पक्ष की गल हूं मैं वो भी करूं, आप बताइए ना बिल में कहा लिखा है उदू बाद सर की और सर ये बिल में पढ़ के बताइए कहां पे लिखा है कि मंडी अपना बात वापस में सर उनको बताना चाहिए सर। ही क्लेम दैट इट इज रिटन इन द बिल दैट द मंडीज विल बी स्क्रैप्ड। वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑन विच अंडर विच क्लॉज इट इज बीन मेंशन दैट दे वो भी समझाना मैं वो भी समझाना बिटू वन सेकंड आना चाहिए। इफ यू आर यील्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड ही इज यील्डिंग सर इज गोइंग टू टेल मी नाउ ही इज अ मिनिस्टर बट हिज टाइम विल ही कांट मिसलीड द हाउस सर ही इज अ मिनिस्टर यस प्लीज। सो व्हाट तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी आज ग्रोथ बिहार में ऐसा नहीं है सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर माइक तो ऑन हो जाता है सर शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका सर। देखिए पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं सर। हुण बिल्कुल सुनता लो यार ताड़ियां मारी यार सुनता लो, ये कैसे होगा सर क्यों प्लीज यार तुसी सुनता लो फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों नाल प्लीज ताही थोड़े जुत्तियां पै रही ताही आही कुछ किसानों नाल कर रहे हो उन्हां दी गल सुनदे नहीं ताही थोड़े नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां फिर मैं नहीं बचाऊंगा थोनू खाओ फिर बिट्टू जी प्लीज एड्रेस सर उसमें क्या है आप इधर एड्रेस करो प्राइवेट मंडियां दो मंत्री पड़े हो मेरे पीछे दो मंत्री और सीनियर मंत्री सर एक एमपी से घबराए पड़े हैं किसानों 25 लाख से कैसे अनुराग सिंह ठाकुर जी ही इज नॉट यील्डिंग टू योर क्वेश्चन कैसे खत्म हुई सर प्राइवेट मंडियां नॉट कंपल हिम टू आंसर बॉर्डर भी है सर आई नो
और सुनता लो यार, इन्हें छोटे दिल दे देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है, छोटे दिल, क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये जो फसाद खड़ा किया है, ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। यस बिट्टू जी, यू प्लीज कंटिन्यू। एक ही कर रहे हैं, यू प्लीज जो इफ यू आर प्राइवेट मंडियां बुला रहे हैं, वो कहते कोई भी टैक्स नहीं लिया जाऊगा, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाऊगा, तो जेड़ा पंजाब का 2.5% टैक्स एफसीआई दिंदी आ वह आढ़ती दिंदी आ, 6% टैक्स है जेड़ा स्टेट गवर्नमेंट कटती आ। जे किसान लई सड़क ही ना बची, किसान जेड़ा पिंड तो शहर ही नहीं आ सकिया, तो अपने आप सरकारी मंडी खत्म होगी, बची कित्थों आ? प्राइवेट मंडिया जिहड़ियां है उस तुसी कोई टैक्स नहीं रखना, हुण जवाब दो, तुसी टैक्स रखिया जां नहीं रखिया, यह दसो, तुसी यह दसो रखिया कि नहीं टैक्स तुसी लुटाउण नूं। हुण सर सुन लो, हुण सर सुन लो, अरुण राज्यसभा में सर अरुण जेटली जी ने क्या बोला था, राज्यसभा में अगर उन्होंने बोला भी अगर ये वार्ड वॉल जो ये गूगल व्हाट्सएप इतने अच्छे होते जिनको ये लेके आ रहे हैं, तो जो अमेरिका में सर बहुत चर्चे हैं, वो अमेरिका में सर बहुत टाइम से है वो, तो वहां पे सर क्यों आप सर आप देखें $40,000 बिलियन किसानों को बचाने के लिए हर साल देना पड़ता है अमेरिका के किसानों को, अगर वो कंपनी यहां लाएंगे तो फिर ये देश का किसान। और सर और एक और सुन लो, तुसी और सुन लो, घबराने क्यों यार है, क्यों घबराने हो, सुन का मादा रखो कि तुसी हो बोलना, सुनो तो सही, बाद जवाब दो, जब थोड़ी बारी हो जवाब। बिट्टू जी सर ऐसे नहीं सर, मेरा तो टाइम सारा खाना, प्लीज यू डोंट डील टू दम, यू जस्ट सॉरी ये गलत ठीक कह रहे, $400 बिलियन मैं तैयार हूं इन्हें। हुण सुन लो सर, उन्होंने कहा भी जो वो नहीं बचा सके कितों बचा लेंगे किसानों। फिर होर जिहड़ी सर सब तो वड्डी रिपोर्ट आई आ जिहड़ी इन्हां दे IMF उन्हें की किया भी जेडे 35% पहला बेरोजगार ने उन्होंने तो आप सामभ नहीं सकते, जेड़ा 65% किसान बेरोजगार दोगे इनू सामभण की कोई स्कीम बनाई आ? ये क्या कि नहीं किया? चलो ये क्या कि नहीं किया उन्हें, दसो हुण बोलो खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? बिट्टू जी प्लीज सर, सर सर ये पंजाब सर पंजाब में आग लगी है, जो अगर बजानी है तो मुझे 4 मिनट दे दो, ये हल हो जाएगा। ये प्लीज मिनिस्टर जी, इससे अच्छा मौका देश के सामने नहीं है कि जो पंजाब के सांसद यहां पर खड़ा होकर जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहां पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कहां कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। सर इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है, ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं सर। कानून में कहीं नहीं लिखा किसान कानून में कि कहीं पर मंडी बंद होगी सर। फिर जे किसानों के उल्ट बोलदा पहली सुद मेरे बिच्चू, तू भी जलंधर का है, जलंधर के नाल तू पंजाब ना गिरारी कर रहे हो, पंजाब ना गिरारी कर रहे हो। प्लीज मिनिस्टर प्लीज, ही इज नॉट हियर, सी ही इज नॉट डीलिंग हार्ड। यार तेनू तो मीटिंग च नहीं कोई बिठाऊंदा, तू कद ली तेनू मीटिंग च बिठाऊंदा कोई किसानों की मीटिंग? बिट्टू तू वलो मल्ली यार, बिट्टू तेनू कोई पुछदा? बिट्टू जी नहीं, तू मीटिंग च बहना यार, तेरा कोई फायदा ही नहीं, हूं तुम कहा के हटिया ना, सीएम तेन उथे नहीं बनाया तेरे फादर नु, इतने तेन मीटिंग च नहीं बहन दिता कोई, हूं तू हम फिर चुप कर जा, होर मारी करूंगा नहीं। बिट्टू सर, और उसके बाद सर क्यों, सर क्यों सर, यही तो प्रॉब्लम है। सुन लो, यू प्लीज सर सुन लो, सर ये खराब करने के लिए मैं कोई हक में ही बात करता इनके, प्लीज प्लीज ये धमकी देंगे, धमकी दे सर। एक तो ऊपर से सदन में खड़े होकर धमकी देते हैं सर, धमकी दे रहे हैं, ये देश को गुमराह करते हैं। नो दिस थिंग्स विल नेवर गो ऑन, पहले किसानों को मिसलीड किया इन्होंने, दिस इज नॉट द वे ऑफ डिस्कर्चिंग, प्लीज दैट पर्सन विल नॉट बी, नहीं सर चेयरमैन, नो दैट विल नॉट बी ऑन रिकॉर्ड, दोज वर्ड्स एनीथिंग एंड पार्लियामेंट्री विल बी एक्सपेंस। You please don't interrupt the speech of the honorable member. Please. Yes, Bittu. Yes, conclude it.
प्लीज बिट्टू मैंने किसी को अरब किया कभी? मैंने तंग किया सर किसी? दो दिन से बैठा हूं सर, 12 घंटे, तो ये सर बोलने नहीं देंगे? मेरी गलती? यू डोंट तो मैं तो खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े हुए, मैंने बोला लेट द हाउस बी इन ऑर्डर प्लीज। मंत्री जी, योर ऑनरेबल मिनिस्टर, मैंने प्लीज बी सीटेड। इफ एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री, इफ एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, डेफिनेटली दैट विल बी लुक्ड इनटू and that will be expense. If anything objectionable, that will be expense. But please don't interrupt a member like this way from the part of the honorable minister. It is not fair. Please continue and conclude. जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। आप, मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो या 24 वाली हो, युगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही अन्ना सर, मंत्री जी बोलने में नहीं देंगे, मेरी तक गाली नहीं करने देंगे, मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये युगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लड़ाने वाले हैं, ये युगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन हैं, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले, जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं, रोज जाने देते हैं, तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सपना भी सोच सकता है पंजाब का? हम रात को सोते भी इस झंडे के सपने साथ हैं, और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे, और कल को हम झंडा लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते सर, 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने, और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया, वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं। उनसे बड़ा कोई गदार, उनके जितना कोई जो सबसे कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता। हम पंजाबी आपसे पहले उनको सजा देने के लिए तैयार हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। सर एक बात सुन ले मेरी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा खुद ही। सर दूसरे में क्या है, जो दूसरा बिल है उसमें आपने सर, अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में, तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं? जहां सर ऐसे ही बैठा के रखना है सबको, उसमें सर कोई हर खालिस्तानी नहीं है, हर कोई टेररिस्ट नहीं है। आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो सर अगर कोई बात खत्म करनी है, पहले आपने, मैं कहता हूं वो किसान यूनियन लीडर ठीक थे सर, आप एक मीटिंग सब पार्टियों की करते, उसमें चाहे बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, सर हम भी उनके नुमाइंदे हैं, एक मीटिंग आगे भी बुला लीजिए और सब इकट्ठे बैठ के किसान लीडर, हम सब किसानों को खुश करके भेजेंगे, किसानों की जीत करवा के, आपकी सरकार आपकी रहनी है और आपकी वो जय जयकार करेंगे जिस दिन उनके पक्ष में बिल बन जाएंगे, और वो काम भी आपने करना है। प्लीज सर, एक मिनट सर, नो प्लीज, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच यू हैव मेंशन। नो सर, क्लॉज तो रह गया सर, एक बिल उन्होंने, नो यू कैन नॉट हैव क्लॉज बाय, दूसरा जो है बिल सर, वो यार इंश्योरेंस फार्मर सर्विस का है सर, उसमें क्या किया है आपने सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं। आप प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे, लेकिन सर कोई रेट कौन तय करेगा? यहां तो गवर्नमेंट तय करती है। हम यही कह रहे हैं ना, अगर प्राइवेट प्लेयर भी होंगे तो लीगल गारंटी आप एमएसपी कर दो, तो वो प्राइवेट प्लेयर है, नहीं तो एक 2 एकड़ वाला किसान, वो बेचारा अडानी अंबानी और इनसे सर रेट तय करवा लेगा। और एक मिनट, इसमें सर कोई भी उसके पक्ष में, जब उसने सर अपना ट्रेड प्राइस फिक्स करना है,
वो उसने करना है, फार्मर ने नहीं करना। उसने अपनी ये बताओ लिखा हुआ या नहीं लिखा? रेट ने, फार्मर ने तो रेट फिक्स नहीं करना। और दूसरी स्पीकर क्लॉज फोर में आप पढ़ लो सर, थर्ड पार्टी असेसरी जो असेस करना है वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी सर? किसी को पता है थर्ड पार्टी कहाँ लिखा है, कौन सी थर्ड पार्टी होगी और कौन क्वालिटी चेक करेगा? अच्युतानंद सर एक मिनट सर, मैंने बिट्टू जी को माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं, कल इनका नेता इधर भाषण दिया तब उन्होंने कहा जो कुछ भी लाल किले कर पहुंचे वो बीजेपी का लोग थे, इन्होंने कह रहे वो देशद्रोही है, योगेंद्र यादव जी के नाम नहीं ले रहा उन्होंने एक मिनट प्लीज अलो मी, योगेंद्र यादव जी के थे, इन लोगों को अंदर करा दीजिए, इनको अरेस्ट कर दीजिए, सजा दीजिए, सब इन्होंने कहा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन लेट हिम से दैट वॉट एवर मिस्टर अधीर रंजन चौधरी सेड इट इज रॉन्ग, लेट हिम से दैट इज नंबर वन मिनट। सेकेंड प्वाइंट, आप जो मंडी के बारे में बोला, इन लोगों ने हमारा सब साथी लोगों ने बोला, कहा है उसमें मंडी का निकालने का, मंडी रद्द करने का, वो कृपया बता दीजिए। ये तो क्या ऐसे बिट्टू जी पूरा सुनिए बिट्टू जी, ऐसे गुमराह करना, आपके बारे में हमारा बहुत प्यार है आप जानते हो, हम सब लोगों का, आप ऐसे जो गुमराह करने का बात मत कर। यस बिट्टू जी, यू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन एंड प्लीज कंक्लूड। ये तो बताना चाहिए सर, वो जो हमारे एमपी लड़ा है गुरदासपुर से, उसके साथ सर जो दीप सिद्धू है वो वहां कंपेन करता रहा है। बात ये है जो हमारा इलेक्शन लड़ा है गुरदासपुर से, अपना धर्मेंद्र का लड़का, मैं तो नाम भी नहीं जानता, सनी देओल, वो आरएसएस का, उसके साथ ये दीप सिद्धू कंपेन करता था, इसलिए बोला। सर आखिरी पॉइंट, जो मंडी का तो उन्हें बोल दिया, मंडी रहेगी सर, मंडी तो बोल दी रहेगी, आगे भी शायद मान जाए, आगे भी मान जाए। You are simply, you please, next Meghwalji. Meghwalji, please. Thank you, Chairman sir. Thank you, Chairman sir. ये विषय सब हो गया, जो पर्सनल रिमार्क अनुराग ठाकुर जी के बारे में पर्सनल का ना, वो थोड़ा ठीक नहीं, वो हटवा दो। दूसरा मेरे को अनाउंसमेंट करना है, मुझे अनाउंसमेंट करना है एक, कि खाने की व्यवस्था है, इसलिए जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 70, और जो कर्मचारी और अधिकारी भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 73 में खाना उपलब्ध है, वो भोजन कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट आपकी अनुमति से मुझे करना था, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिटू कंक्लूडिंग सर, होर्डिंग कर सकता है व्यापारी, उसे कोई रोकेगा नहीं, रेट चाहे दुगना हो जाए, उसे कोई रोकेगा नहीं। ये होर्डिंग का रखा प्लीज सी यू प्लीज यू आर सिंपली इन्वाइटिंग क्रिटिसिजम एंड रेस्पॉन्डिंग टू द कोरियस मेट यू मेड यूर मेक यूर फाइन नो यू लास्ट सेंटेंस प्लीज लास्ट पॉइंट वो भी स्टॉक होगा, रेट बढ़ के दुगना तिगना हो जाएगा तो स्टॉक को कंट्रोल कर ले सर, बाद में हम इंटरवीन करेंगे जब 100% रेट बढ़ेगा, इंटरनेशनल हमारा क्या रह जाएगा? भी रोज सरकार पढ़ रही है व्यापारियों को रेट कम करने के लिए। अच्युतानंद सम्राट जी, ऑनरेबल चेयरमैन सर, वन सेकंड जय किसान, जय जवान, किसान की जीत होगी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, आप हैरानी बढ़ रहे हैं।